हॉस्पिटल में मरीजों को छोड़ के आप यहाँ क्या करने आए सर? सर अंदर शराब का और स्वाब का दौर चल रहा जी, आपने तो पी। ये तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी है कि यहाँ बैठकर शराब का सेवन किया गया है। खैर शराब पीने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर अगर कोई डॉक्टर अस्पताल में परेशान मरीजों को छोड़कर ड्यूटी पर शराब पिए तो जाहिर है मामला गंभीर है। दरअसल यमुनानगर में पत्रकार के कैमरे में स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी शराब का सेवन करते हुए कैद हो गए हैं। इन अधिकारियों में से कुछ तो वो डॉक्टर हैं जिनकी ड्यूटी अस्पताल में इलाज के लिए लगाई गई है, और कुछ वो अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्हें अस्पताल में चेकिंग अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसी अभियान के तहत आए अधिकारियों की मेहमानी कराने सिविल अस्पताल के डॉक्टर अपनी ड्यूटी छोड़कर कलेसर गेस्ट हाउस में जाम छलकाने के लिए बैठ गए थे। सर आप चेकिंग के लिए आए थे यहाँ ऑन ड्यूटी, हॉस्पिटल में मरीजों को छोड़ के आप यहाँ क्या करने आए सर? सर डेंटल साहब आप भी बता दो कुछ तो सर। श्रीमान जी आप वहाँ हाजिरी लगा के यहाँ ऑन ड्यूटी यहाँ क्या करने आए आप? मैं कुछ नहीं कह रहा, अंदर शराब का और स्वाब का दौर चल रहा है जी। मैं तो नहीं पी सर। आपने तो पी नहीं, लेकिन अंदर आप लोग ड्यूटी आपकी खिजराबाद हाजिरी लगी हुई, आप यहाँ क्या कर रहे जी? लंच करने शराब के साथ ड्यूटी चेकिंग आपकी खिजराबाद है, आप यहाँ क्या करने आए सर? मैं देखो रुको। हाँ जी सर आप भी हेल्थ डिपार्टमेंट से हो सर? हाँ जी सर। सर जी बताइए आप चेकिंग करने आए हुए हो? जानकारी के मुताबिक प्रताप नगर सरकारी हॉस्पिटल कायाकल्प अभियान के तहत चेकिंग अभियान चला रहा था, जिसमें चेकिंग करने के लिए सीनियर मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी पर आए थे। प्रताप नगर में सरकारी अस्पताल में चेकिंग करने आए डॉक्टरों द्वारा चेकिंग करने की जगह अस्पताल के डॉक्टरों के साथ तस्वीरें खींचते देखे गए। अस्पताल के अधिकारी भी उन्हें खुश करने के लिए शराब परोसने में जुट गए। अब जब मामला सीएमओ के सामने आ गया तो विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कलेसर का रेस्ट हाउस है, वहाँ हमारे लोकल जो हमारे प्रताप नगर के SMO हैं, डेंटल सर्जन और कुछ एक टीम जो शायद दूसरे जिले से आई थी, ये हमारे जिले में इनक्वायर्स का काम चल रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के अनुसार हमारे जिले की टीम में बाहर गई हुई थी कल, नारायणगढ़ पंचकूला वगैरह, और इसी तरह अन्य जिलों की टीमें हमारे विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में जैसे कि छछरौली, हैबतपुर, प्रतापनगर, इनमें टीमें क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आई थी। ये एक नेशनल प्रोग्राम है जिसके तहत इंट्रा डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद नेशनल लेवल की टीमें हमारे जिलों में आती हैं जो कि अन्य स्टेट से आती हैं। एक प्रक्रिया है, तो इसमें जो प्रताप नगर CHC के प्रभारी हैं, मुझे अभी किसी पत्रकार भाई ने कुछ फोटोज और वीडियो भेजे हैं जिनमें लग रहा है कि वो अपनी टीम के साथ और जो उनकी कायाकल्प की टीम जो आई हुई थी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, उसमें कुछ ड्यूटी टाइम के दौरान गलत गतिविधियों में लिप्त हुए शामिल हुए नज़र आते हैं। साफ तौर पे कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि कुछ पिक्चर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, जो मदिरा की पिक्चरें हैं वो मेज भी पड़ी है, एक दो उसमें लिखे कि मेज भी पड़ी है, एक शराब की बोतल नीचे पड़ी है, और हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो पत्रकारों से बचकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक गंभीर मामला है, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो इस दौरान मेरे पास उन पत्रकार महोदय द्वारा भेजी गई कुछ चित्र और वीडियोस भी आए हैं। मैंने पहले बताया कि मामला गंभीर लग रहा है और इसकी बिना किसी शिकायत के भी सिर्फ इन्हीं के
फोटोज और वीडियो के आधार पर ही जांच करना जरूरी है, तो जल्द ही इसकी जांच जिले के उच्च स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा करवाई जाएगी। जैसे ही आरोपी अधिकारियों को पता चला कि मीडिया का कैमरा उन पर है, सभी खुद को बचाने के लिए तितर बितर हो गए और किसी ने भी अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं की। बहरहाल जिस तरह से कलेसर रेस्ट हाउस में ये तस्वीरें सामने आई हैं और डॉक्टर कैमरा देख भागते दिखाई दे रहे हैं, उससे इतना तो साफ हो जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, मगर सच्चाई क्या है इसका पता तो जांच पूरी होने पर ही लगेगा। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।